नमस्कार, बॉलीवुड ठिकाना में आपका स्वागत है। बॉलीवुड ठिकाना में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ किस्से, तो कुछ क्लासिक किस्से। उम्मीद है आपका एंटरटेनमेंट होता होगा, आपको अच्छे भी लगते होंगे। आपके कमेंट्स के लिए आपका शुक्रिया। वो रेसिप्रोकेशन होता रहना चाहिए ना, क्रिया की प्रतिक्रिया जैसे होती है, आप हमें जैसे बताएंगे वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए इस उम्मीद और दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का क्लासिक किस्से। क्लासिक किस्से में आज हम बात करेंगे कि क्यों हुई ऋषि कपूर और मंदाकिनी के फादर के बीच हाथापाई। किस्सा दरअसल यूं है, राम तेरी गंगा मैली फिल्म जो है वो सुपरहिट हो गई थी बॉक्स ऑफिस पर, और उसे बनाने वाले राज कपूर साहब जो उन दिनों अस्पताल में थे, काफ़ी गंभीर थे, वो ठीक होकर घर लौट आए थे। तो जश्न तो बनता ही है। एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, उसमें ऑब्वियसली सभी बॉलीवुड के हुज़ हू को बुलाया गया। उसमें आई मंदाकिनी भी, जो कि वो मेन हीरोइन थी, और उनके पिताजी भी साथ में थे। दरअसल उससे पहले एक और फिल्म राज कपूर बैनर के तले बन रही थी, हिना, जिसकी तैयारी चल रही थी। और मंदाकिनी और उसके पिताजी को कहीं से खबर मिली थी कि हिना में पहले मंदाकिनी को लेने वाले थे, लेकिन ऋषि कपूर ने प्रेशराइज करके मंदाकिनी को उस फिल्म से निकलवा दिया था। इस बात पर जब ऋषि कपूर और मंदाकिनी के फादर का आमना सामना हुआ, तो मंदाकिनी के फादर ने ऋषि कपूर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया मेरी बेटी के साथ। मंदाकिनी के फादर ने कहा कि जब एक्सपोज की बात आती है तो आपने मेरी बेटी को लिया राम तेरी गंगा मैली में, लेकिन जब वो दूसरी फिल्म जो राज कपूर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें अच्छा रोल है लड़की का, उसमें से आपने मेरी बेटी को निकलवा दिया, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। तो ऋषि कपूर को भी बहुत गुस्सा आ गया, दोनों के बीच में हाथापाई हो गई, दोनों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली। खैर, बात ज़्यादा आगे बढ़े उससे पहले लोगों ने आकर उन दोनों को छुड़ाया और मंदाकिनी के पिता मंदाकिनी को लेकर घर लौट गए। दूसरे दिन जब प्रेस जो है, मीडिया जो है, वो ऋषि कपूर के पास पहुंची और उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि आप और मंदाकिनी के फादर के बीच हाथापाई हो गई। तब ऋषि कपूर ने कहा कि उन्हें एक गलतफहमी हो गई है कि हिना फिल्म से मैंने मंदाकिनी को निकलवाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म हवालात के दौरान ऋषि कपूर ने कहा कि अभी तो मेरे साथ मंदाकिनी काम कर रही है और आने वाली फिल्म हिना में भी मंदाकिनी काम करेगी, लेकिन फिल्म जब तक फ्लोर पर आई तब तक राज कपूर साहब का निधन हो चुका था और काफ़ी चीज़ें बदल गई थी, और उस फिल्म को बना रहे थे अब रणधीर कपूर। तो रणधीर कपूर मंदाकिनी को नहीं लेना चाहते होंगे, ये उनका डिसीजन था, इसीलिए उन्होंने लिया एक दूसरी हीरोइन को। तो इस तरह रणधीर कपूर का डिसीजन था और उन्होंने मंदाकिनी की जगह लिया ज़ेबा बख्तियार को। क्लासिक किस्से में आज हमने बात की और देखा कि कैसे एक छोटी सी बात की वजह से कितनी बड़ी गलतफहमी हो जाती है। बहरहाल, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस टुडेज क्लासिक किस्से। आज के क्लासिक किस्से में बस इतना ही, और लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।